हेलो एवरीवन, आज की कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यह कहानी कैप्टन कुक की कहानी है जो 1976 में उनकी पत्नी मैरी, 6 साल के बेटे जॉनसन और 7 साल की बेटी सुजैन के साथ इंग्लैंड से सारे संसार की समुद्री यात्रा करने के लिए चले थे। यह यात्रा उन्होंने एक वे वाकर नाम की नाव पर की थी। 23 मीटर और 30 टन भारी लकड़ी से बनी सुंदर यह एक नाव थी जिसमें सभी वस्तुएं लगाई गई थी, साज सामान लगाए गए थे। और यह जो रफेस्ट वेदर होता है यानी सबसे ख़राब मौसम होता है उसमें भी चलने लायक बनाई गई थी। उनकी जो जर्नी थी उसका पहला जो स्टेज थी वह आराम से बीत चुकी थी और वह यात्रा उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी तट से केप टाउन तक की थी। वहाँ पूर्व की ओर बढ़ने से पहले संसार के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर का मुकाबला करने के लिए उन्होंने 2 नाविक अपनी सहायता के लिए लिए थे। 25 दिसंबर को उन्होंने केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में अपने आप को पाया और वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने के बावजूद भी उन्होंने शानदार छुट्टी मनाई। नए साल के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ था लेकिन उन्हें लग रहा था कि यह शीघ्र ही बदल जाएगा और बदल गया, लेकिन मौसम पहले से भी अधिक ख़राब हो गया था। 2 जनवरी को सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि लहरें बहुत बड़ी हो गई थी और वह केवल एक छोटी तिकोनी पाल लेकर के यात्रा कर रहे थे। अभी भी 8 समुद्री मील की गति से वह चल रहे थे। जैसे ही जहाज हर लहर की चोटी पर ऊपर को उठता तो उन्हें विशाल समुद्र को अपनी आप आता हुआ दिखाई देता। हवा की चीखें और बौछारों की आवाज़ उनके कानों के लिए बहुत ही दर्दनाक थी। नाव की गति को धीमी करने के लिए उन्होंने पाल को नीचे गिरा दिया और एक भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग से बांध दिया। तब उन्होंने प्रत्येक चीज़ को दोहरा बांध दिया और जो उनकी जीवन रक्षा करने वाली नाव थी उसकी रक्षा के लिए रस्सियाँ बांध ली और उन्होंने अपने जो कपड़े थे, जैकेट्स थी, लाइफ जैकेट्स थी, वो भी पहन ली और वेट करने लगे। उन्हें पहले समझ में आ गया था, एक अशुभ खामोशी जो थी उन्हें सामने दिखाई दे रही थी जिसे इम्पेंडिंग डिज़ास्टर यहाँ बताया है। तो शाम को 6 बजे उन्हें लग गया था कि कोई बड़ा खतरा उनके सामने आने वाला है। अचानक हवा रुक गई और आसमान तुरंत काला हो गया। तब एक गर्जना की आवाज़ आती है और एक विशाल बादल जहाज के पिछले भाग की ओर छा गया। डर के साथ उन्होंने यह महसूस किया कि यह कोई बादल नहीं था लेकिन एक बड़ी लहर थी जो लहर उन्होंने कभी भी देखी नहीं थी और यह पूरी तरह से वर्टिकल थी यानी लंबवत थी और दूसरी लहरों के मुकाबले में यह 2 गुनी बड़ी थी और उन्हें लग रहा था कि यह कोई एक बड़ा चट्टान है या कोई पहाड़ उनके सामने आ गया है। गरज जो थी वो बढ़ चुकी थी और गड़गड़ाहट का रूप बन गया था। नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया और पल भर के लिए उन्हें लगा कि यह नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी, परंतु एक बड़ा विस्फोट होता है और जहाज का ऊपरी हिस्सा हिल जाता है। हरे और सफ़ेद पानी की तेज धारा जहाज पर फूट पड़ती है और उनका सिर पहिए से टकरा जाता है। उन्हें पता था कि वह जहाज से दूर जा रहे हैं और लहरों में डूब रहे हैं। फिर वह कहते हैं कि उन्होंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। जैसे ही उन्हें लगा कि होश खो रहा था उन्होंने बिल्कुल शांति महसूस की। उन्हें
अनएक्सपेक्टेडली उन्हें अपनी पत्नी का सिर दिखाई दिया जो पानी से बाहर निकला और कुछ दूरी पर ही वह वेव वाकर नाव लगभग उलट गई। उसके जो सेल्स थे वो लगभग गिर गए थे। तभी एक लहर ने उसे फेंक कर सीधा कर दिया और उनकी जो लाइफ की रस्सियाँ थी, लाइफ सेविंग जो उनकी रस्सियाँ थी उन्होंने जो बांधी थी वो झटके के साथ कस गई। उन्होंने सुरक्षा रेल पकड़ी और वायु में तैर करके वेव आकर के मुख्य भाग में वो चले जाते हैं। इसके बाद लहरों ने मुझे डेक के चारों ओर एक कपड़े की गुड़िया की तरह उलझा दिया, यह कैप्टन कुक बताते हैं, और उनकी बाईं पसली चटक कर टूट गई और उनका मुंह खून और टूटे दांतों से भर गया था। किसी तरह से उन्होंने पहिए को ढूंढा और अगली लहर के लिए सीधा किया और सहारे के लिए कस कर उस पहिए को पकड़े रखा। हर जगह पानी ही पानी उन्हें दिखाई दे रहा था और उन्हें लग रहा था कि वो जहाज में नीचे पानी था, लेकिन वो पहिए को छोड़ कर के उस जांच को नहीं कर सकते थे कि यह क्या था। अचानक सामने जहाज का दरवाज़ा खुला और मैरी दिखाई दी और वो बोली कि हम डूब रहे हैं, हम पानी से भरे हुए हैं, पहिए को पकड़ो। और फिर वह चिल्लाया जब मैं हाथ पैर मारता हुआ हैच की तरफ गया। लैरी और हैर पागलों की तरह पानी बाहर निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियाँ ऊटपटांग ढंग से लटकी हुई थी। सारा बाहरी हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया। कपड़े, क्रोकरी, मानचित्र, टीन और खिलौने सभी गहरे पानी में तैर रहे थे। वह कुछ तैर कर कुछ रेंग कर बच्चों के केबिन के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहते हैं हाँ हम ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। शिव ने अपनी आंखों के ऊपर एक बड़े घूमड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मुझे चोट लगी हुई है। हथौड़ा, पेंच और तिरपाल ढूंढने के बाद वह वापस डेक पर संघर्ष करने लग जाता है। टूट कर खुल गई दीवार में हर उस लहर का पानी बाहर निकल रहा था जो उनके ऊपर गिर रही थी। यदि उसने कुछ मरम्मत ना की होती तो वो अवश्य ही डूब जाते। किसी न किसी तरह उसने तिरपाल को फैलाया और जो नाव में छेद हो चुके थे उन्हें बंद किया। लगातार कुछ पानी नीचे आता रहा, लेकिन अब अधिकतर पानी साइड पर से मुड़ करके बहने लगा था। और ज़्यादा कठिनाई तब आई जब हेडपम्प जो थे उन्होंने केबिन के चारों तरफ बह रहे मलबों के साथ ब्लॉक होना शुरू कर दिया और बिजली वाला पंप शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी अब पानी बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया था और यही कारण था कि पानी का लेवल काफ़ी जहाज में बढ़ने लग गया था। वापस डेक पर उन्होंने पाया कि उनके दो फालतू हैंडपम्प खुले थे, आगे का पाल, एक छोटा पाल डिग्गी और मुख्य लंगर के साथ। तब उन्हें याद आया कि उनके पास दूसरा बिजली का पंप चार्ट रूम के फर्श के नीचे था, तो उन्होंने इसे बाहरी पाइप से जोड़ दिया और इसके काम करने पर उन्हें अच्छा लगा कि अब यह पानी को बाहर फेंकने लग गया था। और भयानक ठंड वहाँ पर थी जो पानी को बाहर निकालने और न खत्म करने वाला काम कर रही थी। जहाज को चलाने और रेडियो पर काम करने में उनका पूरा टाइम रात जो थी वो बीत रही थी और उन्हें किसी और सिग्नल से कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वह संसार के एक बहुत ही दूर वाले कोने पर थे। और चोट से शिव का सिर काफ़ी सूज गया था, उसकी दो बड़ी बड़ी आँखें थी और उसकी बाजू में भी एक गहरा घाव हो गया था। तो 3 जनवरी की सुबह तक पानी का स्तर काफ़ी ठीक हो गया था और वह 2 घंटे अब आराम कर सकते थे। फिर भी उनके पास जल रेखा के नीचे कहीं कहीं एक विशाल रिसाव था और जांच करने पर उसने पाया कि पूरा जहाज का तला टूट चुका था और
वास्तव में एक पूरे भाग को थामने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनके पास कुछ अलमारी की दीवारें थीं। लहरों के हमले को 15 घंटे बीत चुके थे और वो अब संकट से बचे हुए थे, परंतु वे वॉकर उनके लिए ऑस्ट्रेलिया जाने तक बचा नहीं रहेगा। और उन्होंने चार्ट की जांच की और हिसाब लगाया कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे-छोटे द्वीप हैं। उनमें से एक आइल एमस्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक आधार था और उनकी एकमात्र आशा विशाल समुद्र में सुई की नोक की तरह जितनी जगह घेरने वाले द्वीप पर पहुंचने की थी। उन्हें लग रहा था कि इस छोटे से द्वीप पर पहुंचकर शायद उनकी जान बच जाएगी, परंतु जब तक समुद्र पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता तो उन्हें बचने की उम्मीद नहीं लग रही थी और उनके बचने के अवसर भी बहुत कम बचे थे, क्योंकि इस बड़े तूफान ने उनके इंजन को, जहाज़ के इंजन को ख़राब कर दिया था। 36 घंटे लगातार पानी निकालने के बाद 4 जनवरी को जहाज़ में कुछ सेंटीमीटर पानी बच गया था और फिर भी वह पानी निकालना जारी उन्होंने रखा। उनकी जो मुख्य पाल थी उस पर भी वह मस्तूल नहीं लगा सकते थे। रस्सियों पर दबाव जहाज के टूटे हुए भाग को अलग कर देता, इसलिए उन्होंने तूफान में लगाए जाने वाले छोटे पाल को चढ़ा दिया और उस तरफ चल पड़े जहां वो 2 द्वीप थे जहां पर उन्हें जाना था। मैरी को कुछ लगा और उसने अपना भोजन खाया, उससे भूख लगी हुई थी, परंतु यह आराम थोड़े समय के लिए था। 4 बजे शाम को काले बादल उनके पीछे बनना शुरू हो गए। घंटे भर में पवन फिर से 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी और पूरे समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। सारी रात मौसम लगातार बहुत ख़राब था। 5 जनवरी को उन्हें लगा कि वो मर जाएंगे और वह अपने बच्चों को कहने लग गया और उसने अपने बच्चों को दिलासा दी। जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? तो उसने उसे विश्वास दिलाया कि शायद हम यह सब झेल लेंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में उसे नहीं लग रहा।